सही आ रही है, ठीक आ रही है। चलिए अमित जी आपको समझ आ रहा है? किसी की आवाज आ रही है सर? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई शायद फोन पे बात कर रहा है मिक्स। जो भी फोन पे बात कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है? मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? देखिए ये एक ब्लॉक डायग्राम है और इसी तरह से ब्लॉक डायग्राम सभी आईसीयू के रहते हैं। जो भी फोन पे बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए माइक, नहीं तो मुझे सभी के माइक म्यूट करने पड़ेंगे। हेलो, ठीक है सर? ठीक है ठीक है। देखिए फोन है, ध्यान नहीं दे रहा है। सर इसका माइक बंद कर दो ना, कोई बिजनेस डील कर रहा है। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सभी का माइक म्यूट करना पड़ जाएगा, नहीं तो कोई अगर कुछ पूछना चाहेगा तो पूछ नहीं पाएगा। हेलो, अभी ठीक है? जी ठीक ही लग रही है। बंद कर दिया। ये कुछ मैंने इसको डिफाइन कर दिया है कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये चार्जिंग आईसी एक्चुअल में इसी तरह से बटी हुई है, एक दो तीन चार और एक ये पांचवा पार्ट ये बचा जो हमारा, ये जो ये सारा इतना जितना भी है ड्राइवर लॉजिक जो लिखा हुआ है ये है, और ये सिलेक्टेड लॉजिक जो है। देखिए चार्जिंग आईसी जब चार्ज करेगी लैपटॉप की बैटरी को, जब ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी फिल हो जाएंगी, अगर इस के बीच में कोई सी भी एक भी रिक्वायरमेंट फिल नहीं होती है, मान लीजिए इसकी रिक्वायरमेंट पूरी फिल नहीं होती है, या यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट पूरी फिल नहीं होती है, यहाँ इस ड्राइवर लॉजिक की रिक्वायरमेंट रह जाती है, या ये हमारी एसएम डेटा एसएम क्लॉक जो रह जाती है, इनमें से अगर कोई भी एक भी इश्यू रहता है तो भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं, ठीक है जी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये वाला सेक्शन है, जो कि सभी लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी, सभी लोगों के पास वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। अब ये काम कैसे करता है समझ लेते हैं इसको भी। इसको अगर आप मैं अगर इसको इस तरीके से समझाऊंगा आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आप खुद भी अगर समझना चाहेंगे तो किस तरीके से समझिएगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये एक आईसी लगी हुई है जो कि इसी आईसी का इंटरनल ये ब्लॉक डायग्राम है, ठीक। आपने समझना कैसे है वो देखिए, यहाँ पर ये वीसीसी की पिन, यहाँ पर वीसीसी लिखा हुआ है 20 नंबर पिन, सेम 20 नंबर पिन यहां पे भी मेंशन की हुई है। अगर थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं 19.5 यहां से यहां जा रही है, इट मींस मुझे लगता है कि 19.5 यहां पर मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ये है क्या, ये इसकी वीसीसी लाइन है और ये इसकी रेफरेंस बोल्ड दी हुई है। कंपैरेटर के बारे में आप समझिए पहले, कंपैरेटर करता क्या है? कंपैरेटर एज ए एक कंपेयर करता है कि कौन सी वोल्टेज बड़ी है और कौन सी छोटी है, जो वोल्ट बड़ी होगी वो यहाँ पर पास आउट कर देगा और जो छोटी होगी वो यहाँ पर रोक लेगा। मान लीजिए अभी यहाँ पर मैं 19 पॉइंट यहाँ पर कर देता हूँ, 19.5 इस वाली पॉजिटिव पिन पे, अगर पॉजिटिव पिन पे मैं 19.5 कर दूं तो मैं, और ये वाली जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है अगर मैं यहाँ कर दूं नेगेटिव पे, तो मुझे क्या यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? मतलब वीसीसी जो 20 मैंने कर देंगे हम, वीसीसी पे जो नेगेटिव थी, ये मैं आपको इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पे फॉल्ट बनेगा भी, जो लैपटॉप ऑन नहीं होते हैं ना 19 वोल्ट की जिनमें प्रॉब्लम आती है वो कैसे अभी यहीं पे फाइंड आउट हो जाएगा कि कैसे आपके बोर्ड में 19 वोल्ट नहीं बनती है, यहाँ पर इस पॉइंट पर 19 वोल्ट नहीं बन पाती ना, ये जो फैला फैट यहाँ रोक लेता है वोल्टेज को और यहाँ नहीं पहुंचती, वो यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे नहीं बनती है। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि वीसीसी पॉइंट पे जो माइनस है, मैंने यहाँ पे 19 ना रख के मैंने पॉजिटिव पे 19 रख दिया, कहने का मतलब यह है मेरी यहाँ पर 19 वोल्ट अगर नहीं आ रही है और यहाँ पर 3.75 वोल्टेज है नेगेटिव पे,
तो क्या होगा, इंटरनल लॉजिक कैसे काम करेगा, कोई बताना चाहेगा क्या होगा यहाँ पर, कैसे कर सकते हैं? नहीं कोई बात नेगेटिव ही पास होगा तो नेगेटिव कैसे पास हो जाएगा? मैंने आपको कहा अबे जी यहाँ पे यस, आपने भी शायद सुना नहीं, मैंने यहाँ पे कर दिया 3.75 कर दिया नेगेटिव पे, और मैंने यहाँ पे कर दिया 19.5 वोल्ट। अब मुझे ये बताइए कि बड़ी वोल्ट कौन सी हो गई? बड़ी वोल्ट जी, बड़ी वोल्ट तो ये वाली हुई ना अबे जी, ये 19.5 पॉजिटिव, पॉजिटिव बड़ी हुई ना। तो पॉजिटिव अगर यहाँ से आई, देखिए अंदर आईसी के अंदर इंटरनली चलता क्या है, हेलो अभी ठीक आ रहा होगा बाबा, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया है, सिंपल सी बात ही है, आप इसको सिंपल समझिए। जब आपके पास फॉल्ट आते हैं तो इसी तरीके से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 19 वोल्ट यहाँ से ट्रेवल नहीं करती, उसका रीजन यहीं पे होता है क्योंकि वीसीसी लाइन पे यहाँ पे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या है, 19 वोल्ट यहाँ से पास होगी, कंपैरेटर क्या करेगा इसको लो लॉजिक करेगा, लो इसमें अंदर इंटरनल में होता क्या है, हाई और लो चलते हैं केवल। अब लो लॉजिक आया तो यहाँ पर हमारा ऐसे समझाता हूँ, क्या है एल आएगा, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं 19 वोल्ट जो आ रही है, जो इसका कंसेप्ट है काम करने का, फिर वो क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे माइनस वाली बड़ी वोल्ट हो गई, इसको मैं मिटा देता हूं, अभी होगा क्या, यहाँ पर हमारी 19.5 है, 19.5 अगर इससे बड़ी है, जाहिर सी बात है 3.5 से, तो मेरी कौन सी बड़ी वोल्टेज आएगी, ये वाली नेगेटिव वाली जी, नेगेटिव आ गई तो यहाँ पे क्या हुआ, लो हो गया, अभी जी समझ आ रहा है आपको? जी 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 जी, समझना तो पड़ेगा, देखिए नहीं समझ आ रहा तो भी समझना पड़ेगा, उसका रीजन ये है, अगर इन फ्यूचर आप भविष्य में चाहते हैं कि आज मैं ये आईसी पढ़ा रहा हूँ, कल को कोई और आईसी आएगी, तो उस इस आर्किटेक्चर को लेकर आप किसी भी आईसी से अपडेट हो सकते हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा सा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने आप को अपडेट नहीं रख पाएंगे, फिर तो वही रहेंगे कि हाँ सर ने ये सिखा दिया था, चलो जी ये सिखाया नहीं, समझ रहे हैं? यहाँ पर 19 वोल्ट आएगी तो ये लो लॉजिक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म देने का मुझे जरूरत नहीं लगती, अंडर वोल्टेज लोक आउट, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लो आया और अब ये एक एंड गेट लगा हुआ है, अगर आप लोगों ने एंड गेट के बारे में पढ़ा होगा, गेट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में आप अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे जाके एंड गेट और गेट नॉट गेट इन सब की वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब देखिए ये एंड गेट करता कैसे काम है, एंड गेट का जरा आबेद जी मुझे बताएंगे, आपने पढ़ा हुआ है, मुझे बताइए आबेद जी कैसे एंड गेट काम करेगा? दोनों में से एक पे वोल्टेज होनी चाहिए, दोबारा से रिवीजन कर देना सर, एंड गेट काम ऐसे करता है ना, जीरो एंड वन में, अगर दोनों में से एक, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, एंड गेट का नियम क्या है, मान लीजिए ये एंड गेट है, पहले तो आप ये समझिए जितने भी गेट्स हैं वो सप्लाई को नहीं समझता है, वो केवल जीरो और वन को समझता है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है जी, वन और जीरो समझेगा, और वन और जीरो समझेगा तो होगा क्या, एंड गेट का जो नियम है वो ये कहता है जीरो या वन, तो जीरो मिलेगा मुझे, जीरो मिलेगा जी जी, जीरो ही मिलेगा, अगर जीरो और जीरो है तो भी जीरो मिलेगा, जीरो ही जीरो मिलेगा, अगर मेरा वन और वन है तो क्या है, मेरा वन मिलेगा, वन का मतलब है एक्टिवेट, एक्टिव
एक्टिवेट हो गया ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन ऑन हो गया जी। ये एंड गेट का काम करने का प्रोसेस है, समझ में आया? जी जी जी। आपने कहा कि वन और जीरो आएगा तो आपने कहा आउटपुट मिलेगा, शायद ऐसे ही कहा आपने? नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा। आप बताइए। एंड मीन्स दोनों पी है, ये मैंने पहले बोला था मैं आर की टीचर हूं, ठीक है, मैं क्योंकि उसमें नॉट आ रहा ना आगे, दैट इज द मैटर। बात की बात है आगे की, मैंने अभी केवल इतना पूछा था कि मुझे एंड गेट से अगर काम लेना है, ये एंड गेट आपको लैपटॉप्स के बोर्ड में भी मिलेगा, जहां पर आपको पीएलटी रीसेट जो है ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा, वो वहां पर भी एंड गेट का यूज किया जाता है। तो अगर एंड गेट के बारे में अगर नॉलेज नहीं है और नहीं समझ पाएंगे तो आप बोर्ड को पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिपेयर कर सके, ठीक से। तो यहाँ पर एंड गेट के बारे में मैंने आपको बताया, दोनों पर लॉजिक अगर हाई होंगे तभी आपको आगे आउटपुट मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 19 वोल्ट वीसीसी आ गई है, ठीक है, यहाँ एल है, अभी मैं बताऊंगा कैसे ये काम करेगा। उसके बाद में आपको इस आईसी पे सभी लोग, ये दूसरी वाली फाइल कहाँ चली, क्लोज हो गई क्या? एक सेकेंड, ये भाई अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि भाई यहाँ पे वीसीसी आनी चाहिए पहले, ठीक है, उसके बाद एसी डिटेक्ट कहा था, राइट? ये मैंने देखिए एसी डिटेक्ट यहाँ पे कैसे पता लगा के मुझे कि दूसरी पिन एसी डिटेक्ट हमें चेक करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पिन मिलकर ही इसे रीजन इनेबल कर रही है। इनेबल रीजन, इनेबल रीजन का मतलब आप समझ रहे हैं, पहला ऑप्शन ये आपने चेक कर लिया, दूसरा ऑप्शन आपने, दूसरा पॉइंट जो है ये चेक करना है, थर्ड ऑप्शन आपका रीजन, इसका मतलब यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, पहले अगर ये सप्लाई मिल गई आपको, यहाँ से ये आ गई और उसके बाद एसी डिटेक्ट आएगा, फिर ये इनेबल होगा। आप समझिए यहाँ पे एसी डिटेक्ट कैसे आएगा। यहाँ पे इसकी एसी डिटेक्ट की देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि कितनी वोल्ट आनी चाहिए, तो किसी ने 3.3 बोला, 15 बोला, 6 बोला, सबने अपना अपना आंसर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा किसी भी आईसी का ब्लॉक डायग्राम को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ मेंशन रहता है, देखिए मैंने कहा था कि 2.4 से नीचे नहीं जानी चाहिए, ये यहाँ पर देखिए ये वाला कंपैरेटर एक लगा है, और 3.5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब उसका लॉजिक क्यों मैंने ऐसा कहा कि बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे मान लीजिए अमित जी, यहाँ पे एक बार डिवाइडर कैलकुलेट करेंगे तो कितना वोल्टेज बन रहा है, कहाँ पे करना है? 6 नंबर पे 2.5, ठीक है, तो 2.5 हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, 2.5 रख लिया। अब अगर ये 2.5 इससे तो बड़ा ही है, 0.6 वोल्ट से, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हाई निकल गया यहाँ पे, हाई जी। अब अगर ये हाई आ गया तो यहाँ पे तो एक एंड गेट पे क्या हो गया, एक हाई हो गया और एक लो हो गया, तो मेरा क्या कंडीशन बन जाएगी, ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, ऑफ चला गया। अगर ये ऑफ रहा तो मेरा ये इनेबल रीजन तो मिलेगा नहीं, जो कि हमें यहाँ पे चेक करते हैं 6 वोल्ट के करीब यहाँ पे मिलती है हमें 16 नंबर पे, जिसे हम चार्जिंग आईसी का एलडीओ कहते हैं। अबे जी आपके जो उस दिन कलीग थे कोई, जो आपसे कह रहे थे कि सर आर एलडीओ क्या चीज होती है, चार्जिंग आईसी का एलडीओ इसी को कहा गया है, 16 नंबर पिन को, समझ आया जी? आज आप अगर उनसे आज आप कहेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे तो आप बता सकते हैं कि चार्जिंग आईसी का एलडीओ ये है, क्योंकि आप कह रहे थे उस दिन के शायद उनको एलडीओ नहीं समझ आया, राइट? चलिए ठीक है। अब ये हाई है और ये लो है, तो यहाँ पे ऑफ हो गया।
अब ये मैं चाहता हूं कि यहां पर हाई होगा तभी यहां पर आपको इनपुट आगे आउटपुट मिलेगा। अब ये कैसे होगा, फिर वही गेट के बारे में हमारी बात आ गई। यहां इस गोल सर्कल को अगर गौर से देखेंगे तो ये गोल सर्कल कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये मेरा नॉट गेट लगा हुआ है। अब नॉट गेट का क्या नियम है काम करने का, आबे जी ये बताइए आप। मैंने सर पहले बताया था देख कर रहा हूँ, मैंने कहा था लोगों को हाई कर देगा ये। जी सर रिवर्स कर देगा, रिवर्स कर देगा। देखिए ज्यादा मैं ये कहता हूँ, सभी लोगों से ये कहता हूँ, आप ज्यादा गेट मत पढ़िए, एक एंड गेट नॉट गेट और हाँ एंड और नॉट गेट यही दो यूज होते हैं ज्यादातर मैंने अभी तक देखे हैं। तो इन दो गेटों को आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे कैसे काम करता, और कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ये समझना है कि एंड गेट पे दोनों पे पॉजिटिव मिला मतलब हाई मिला तो आउटपुट मिल जाएगा, बस इतना याद रखना है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सारे गेटों के बारे में पढ़ो, जितने की हमें जरूरत है उतना ही याद करिए, दो गेट की जरूरत है मुझे लगता है वो आप याद करिए और आपका काम चल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए ये क्या करेगा, ये लो आया था तो यहाँ इस गेट के इस साइड तक तो ये लो रहा और इसके बाद जो है इन्वर्ट हो गया, मतलब जो वैल्यू लो में थी वो कन्वर्ट होके हाई हो गई, राइट जी। अब दोनों पे हाई मिला तो यहाँ पर क्या हुआ, रीजन इनेबल हो गया, रीजन इनेबल जाएगा इस एंड गेट के पास, ठीक है। एक पिन हो गई, दो पिन हो गई, तीन पिन। सबसे पहले चार्जिंग आईसी में अब हमें क्या चेक करना होगा, बीसीसी हमें मिली या नहीं, राइट। उसके बाद में हमें एसी डिटेक्ट चेक करना होगा, उसके बाद में हमें रीजन तीन नंबर पिन पे रीजन चेक, ठीक है। अब बात आ गई कि एसी डिटेक्ट पे हमें मिलेगा कितना कि हमें ये सही हो। यहाँ पे इस कंपैरेटर में मेंशन किया हुआ है 0.6 वोल्टेज, अगर ये हाई है तो ये पॉजिटिव मिल गया। अब इस गेट को कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे दो कंपैरेटर लगाए, इसका भी कंसेप्ट यहाँ पे है। देखिए ये बड़ी है तो लो निकल रहा है, ना मैं नहीं समझे। देखिए यहाँ पे ये लाइन आई, यहाँ पे पॉजिटिव पे आ गई, यहाँ पे 2.5 आ गया। तो अब मुझे बताइए माइनस लिख लेगा या प्लस लिख लेगा, हाई लिख लेगा लो लिख लेगा, हाई लिख लेगा, हाई लिख लेगा। कैसे हाई लिख लेगा, लो लिख लेगा सर, माइनस है ना, लो लिख लेगा। अबे जी मेरी बात को ध्यान से समझिए, कंपैरेटर केवल ये समझता है कि माइनस पे वोल्टेज बड़ी है या प्लस पे बड़ी वोल्टेज है। अगर जो मेरी माइनस की वोल्टेज बड़ी है तो वो माइनस निकाल देगा मतलब लो निकाल देगा, अगर प्लस की वोल्टेज बड़ी है तो वो प्लस निकालेगा हाई निकालेगा, दैट्स इट। उसे मतलब नहीं है कि प्लस पे वोल्टेज प्लस बड़ी वोल्टेज है या माइनस वोल्टेज है, बस उसे ये दिख रहा है कि माइनस पे बड़ी वोल्टेज है तो मैं माइनस निकाल दूंगा, प्लस पे बड़ी है तो प्लस निकाल दूंगा, बस ये इसका कंपैरेटर का काम है। तो अब अगर यहां देखेंगे हम, यहां पर अगर देखेंगे तो माइनस पे तो बड़ी वोल्टेज 2.5 ये वोल्टेज यहां कनेक्टेड है, वही वोल्टेज यहां पे भी आ रही है सेम। सिंपल सी बात आप ये समझिए आगे का लॉजिक काम कैसे करेगा जब ये मेरी वैलिड कंडीशन होगी, और वैलिड कंडीशन के लिए आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था अगर कैलकुलेशन करनी है हमेशा दो तरीके से करिएगा, आंसर आपको जरूर मिलेगा। पहला कैलकुलेशन क्या है मैं बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 2.5 है, ठीक है, और यहाँ पे 3.15 रखी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बड़ी वोल्ट है, यहाँ से नेगेटिव आ जी, जी। इस कंपैरेटर पे क्या है, यहाँ पर क्या आएगा 2.5 आएगा जी, 2.5 आएगा तो यहाँ तो ये नेगेटिव निकला, वही कंसेप्ट आ रहा है यहाँ वाला। देखिए सेम चीज अगर गौर से देखें तो वही चीज निकल रही है, यहाँ पे L पहले आ गया, यहाँ पे L का मतलब लो आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हाई आ गया। सेम यही कंसेप्ट तो है यहाँ पे भी, दो कंपैरेटर यहाँ पे भी लगे, यहाँ पे भी लगे, नहीं समझ आया अभी जी।
नहीं नहीं समझ आ गया सर। अब मुझे बताइए यहाँ पर एल मिल गया राइट, मिलेगा एल लो मिलेगा, लो मतलब ये माइनस वाली वोल्टेज आएगी तो हम लो कहते हैं ठीक है, और यहाँ पर 2.4 से बड़ी वोल्ट है तो पॉजिटिव आ गई हाई राइट। सेम वही कंसेप्ट हुआ यहाँ वाला, अब वही यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा एक एंड गेट में यहाँ पर आ जाएगी सप्लाई। और वीसीसी देखिए वीसीसी अंडरस्कोर एसआरएन यहाँ पर दिख रहा है, ये पॉइंट नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे वीसीसी वोल्टेज। वीसीसी हमारी कौन सी है? हाँ कोई जवाब नहीं देता है। वीसीसी हमारी कितनी है? 19 वोल्ट जो यहाँ चल रही थी राइट। और यहां पर भी हमें एसी गुड, एसी गुड पे भी आपको हाई मिल जाएगा। अब ये हाई क्या होगा, ये तो इसको इनेबल कर देगा। और यहां पर ये जो एक लगा हुआ है ये केवल ये क्या करता है, इसके साथ में जो भी कैरी वोल्टेज चली उसको फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर करके। देखिए यहां पर आपको इस कैपेसिटर को लगाया गया है, कोई बताएगा क्यों लगाया गया है इस कैपेसिटर को? अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या इफेक्ट हो सकता है, या इस कैपेसिटर को हटा दूं तो क्या इफेक्ट हो सकता है, कोई बताना चाहेगा? या इसको हटा दूं, इस वाले की बात कर रहे हैं सर आप? किसी की भी, मान लीजिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या इफेक्ट होगा इस पे, किस लिए लगाया गया है, कोई बताना चाहेगा? फिल्ट्रेशन के लिए, अर्थ के साथ कौन सा वाला? ये वाला कैपेसिटर है, मैं हटा दूं EC213 क्या इफेक्ट होगा इस पे? ये तो बूस्टिंग कैपेसिटर है ना चार्जिंग के लिए। हाँ हाँ बहुत अच्छे। तो ये वाला कैपेसिटर कौन सा है? ये वाला भी बूस्टिंग है, ये वाला भी बूस्टिंग, एक मिनट रुकिए आप जी, ये वाला भी बूस्टिंग है, ये भी दो दो बूस्टिंग लग गए फिर तो। चलिए आबे जी अब बताइए आबे जी बताइए। सर बूस्टिंग वाला तो EC211 है। देखिए कोई बात नहीं, आपने आंसर दिया बूस्टिंग ठीक है, आप अपनी जगह राइट है ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत है, लेकिन कहीं से भी आपने नॉलेज ली है ना बूस्टिंग कैपेसिटर की, आधी अधूरी नॉलेज मत लीजिए, लीजिए तो पूरी नॉलेज लीजिए, नहीं तो आधी अधूरी नॉलेज क्या करती है, नुकसान ही करती है राइट। आबे जी सही कह रहा हूँ जी? सर मैंने भी यही सुना है, क्या कर सकते। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ज्यादा लेंथी में नहीं समझाऊंगा। यहाँ पर होता क्या है, कई बार ऐसे हमारी जो डीसी की लाइन ऐसे चलती है, अगर उसमें हल्का सा ऐसे ये चीज ना आ जाए, इसको बोलते हैं ग्लिच बोलते हैं, या कुछ लोग पल्स भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हटा देंगे तो इसके साथ में जो डीसी सप्लाई बन रही थी उसको फिल्टर करने के लिए मेंशन किया है, ऐसे ही यहाँ पर भी इसको इंटरनली कोई ग्लिच ना आ जाए उसके लिए इस पर को लगाया गया है। अब देखिए एंड गेट पर यहाँ पर हाई वोल्टेज आएगी, फिर एक ही एंड गेट नॉट गेट आ गया जी। अब यहाँ पर हाई है जी, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? लो मिलेगा सर ठीक है। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि मॉस्फेट कैसे काम करता है, इसकी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है राइट। अगर ये लो रहेगा तो क्या ये मेरा ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, ये जो जे फेट है या एन चैनल का मॉस्फेट है जो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा जी? मैं श्योर नहीं हूँ सर। क्यों श्योर क्यों नहीं है? ये फिर से आ गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आवाज कट के आ रही है। अभी ठीक आ रही है आवाज? ठीक है।
देखिए इतना तो आपको पता है कि एन चैनल का मॉस्फेट कैसे काम करता है, इतना पता है जी जी। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए अब ये एक्टिवेट होगा या नहीं होगा अगर मेरा एल है तो? नहीं ये नहीं सर, लो वोल्टेज है ना गेट पे। हाँ लो वोल्टेज है गेट पे, मैं ये हाँ आप ऐसे समझ लीजिए, तो ऑन नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर इतना सारा जो ये हमने समझा, केवल ये किसके लिए समझा, केवल इतनी सी ये छोटी सी पिन के लिए, पांच नंबर एसी ओके के लिए। अब एसी ओके ये करता क्या है, यही इंफॉर्मेशन देती है आयो को जाके, ये वाली पिन कि हमारा जो अडॉप्टर है वो लग चुका है और आगे का प्रोसेस होना चाहिए। अब ये अडॉप्टर पे इंफॉर्मेशन जाएगी कितनी, जो तो यहाँ पे कोई बार नहीं है, ऐसे करके एक बार होता है और किसी आईसी के किसी के पीछे हैश लगा रहता है ऐसे एसी ओके में। यहाँ पे ना तो हैश है ना तो बार है। अगर जो मेरा हैश है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे जीरो वोल्ट। अगर मेरा हैश है तो भी मेरे को जीरो हैश है, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर अगर जो मेरे पे बार नहीं है ना ही हैश है तो क्या होगा, ये वाली जो वोल्टेज है यहाँ से ऐसे जाएगी जो पुल अप करी हुई है, और ये एसी इन वाली जो इंफॉर्मेशन है वो आयो को बताएगी कि मेरा वैलिड अडॉप्टर लग चुका है। कहने का मतलब ये है, बहुत से लोगों को अब समझ नहीं आ रहा होगा कि मुझे एसी ओके पे वोल्टेज चाहिए या नहीं चाहिए। आप ये देख लीजिए सिंपल वे में, यहाँ हैश तो नहीं लगा अंदर में या कोई बार तो नहीं लगा। अगर हैश या बार है तो आपको वोल्टेज इस पिन पे होनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में, जो कि 35-42 में होता है तरह से। अभी 35-42 का भी बोर्ड ओपन करेंगे, उसको भी समझेंगे। क्योंकि देखिए आईसी दो तीन तरीके से मैन्युफैक्चर की जाती है। कई बार आप मान लीजिए, मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ पर 3.3 है, लेकिन कुछ आईसी ऐसी मिलेगी जिसमें हैश लगा हो, तो वहां पर जरूरी थोड़ी है कि आपको 3.3 मिले, वहां तो आपको वोल्टेज चाहिए ही। कोई 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 क्वेश्चन पूछना चाहेगा कुछ, क्योंकि किसी की तरफ से आवाज नहीं। सर मैं पूछना चाहूंगा। अच्छा पूछिए, बताइए सर। अगर 3.3 पुल अप वोल्टेज मिल रही है एसी पे, एसी इन पे, एसी हाँ ठीक है, चार्जर का चीज, तो सर ये वोल्टेज अंदर नहीं जाएगी एसी ओके पे पिन नंबर 5? बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। आप यहाँ पे देखिए ना, ये रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर ये यहाँ से तो लिखी है, आप पांच नंबर पे चेक करेंगे तो एसी ओके मिलेगा पांच नंबर पे। तो इट मीन्स वहाँ पे हमें मिली ना 3.3 या 3 वोल्ट कहाँ पे, पिन नंबर 5 पे एसी ओके पे आप पांच बिल्कुल मिलेगी। मैं वही कह रहा हूँ, मिलनी चाहिए वहाँ पे जो एन चैनल मॉस्फेट लगा था इसके फंक्शनल डायग्राम में। आ जाइए, आ गए हम, ठीक है। तो इसके आप देखिए तो सही, कहाँ पे आई, इसके यहाँ पर आई, गेट पे तो नहीं आई ना। जी 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 वही कह रहा हूँ, गेट पे तो नहीं मिली ना। यहाँ पर आपको अगर बार है तो आपको यहाँ पे 0 वोल्ट मिलनी चाहिए जी। अगर ये बार नहीं है, यही समझा रहा था मैं अभी, एक बार मैं स्मेटिक डाउनलोड कर लेता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, जो दोनों कंडीशन आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल। मैंने किसी से यहाँ पर पूछा था कि एसी डिटेक्ट पर कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, तो किसी ने मुझे बताया यहाँ पर 2.5 आनी चाहिए। उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पर आपको वो चीज पढ़ाता गया, और हालांकि यहाँ पर 2.5 भी अगर वोल्टेज मिलती है तो भी वो हमारी वैलिड कंडीशन मान सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसने भी ये कैलकुलेशन करी वो गलत कैलकुलेशन है, इसलिए क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर के हिसाब से यहाँ पर 2.6 निकल रही है,
देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी 19.5 वोल्टेज है, मल्टीप्लाई करेंगे 66.5 इसकल टू, और इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों को जोड़ के। चलिए डिवाइड करते हैं 488.5, और आप देख सकते हैं 2.6 यहां पर आंसर आया है, जो कि मुझे यहां पर 2.6 मिलना चाहिए था, जो कि किसी ने शायद मुझे 2.5 बताया, वो आई थिंक वो भी वैसे वैलिड कंडीशन मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंपैरेटर है, अगर यहां पर 2.5 भी मुझे मिलती है तो भी मैं यहां पर एसी ओके की उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे एसी ओके मिलेगा, क्योंकि यहां पर 2.5 की बजाय 2.4 मेंशन है, जो लोएस्ट वोल्टेज है। अगर अगर इससे नीचे जाता तो हम कह सकते थे कि 2.5 हमारी वैलिड कंडीशन नहीं है। केवल मैंने ये आपको बताने के लिए दिखाया है कि वोल्टेज डिवाइडर करके कि यहाँ पर किसी ने वोल्टेज डिवाइडर की कैलकुलेशन गलत की थी, एक्चुअल में यहाँ पर 2.6 आना चाहिए, जो कि किसी ने 2.5 बताया था, और मैंने भी उस समय कैलकुलेशन नहीं की। तो मैंने जब कैलकुलेशन की तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर 2.6 आना चाहिए। तो जो भी है कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ठीक से करें और उसके बाद किसी को आंसर दें, क्योंकि उस आंसर से कई बार हो सकता है कि